नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और स्टोरी ट्रांसलेशन से पहले आप लोगों को बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, सूचना देना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे और भी यूट्यूबर्स हैं जो बिल्कुल मेरी जैसी पेंसिल पेन लेके बिल्कुल ऐसे ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन अब उनका आप वीडियो देखे ना देखे मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता, उन्हें लगता है कि ये विष्णु एटीपी यानी कि विष्णु शर्मा सर की ही ये चैनल है, और वो लोग वीडियो को देखते हैं, बाद में नीचे कमेंट करते हैं कि सर आपने ये गलत पढ़ा दिया, वो गलत पढ़ा दिया। तो आपको पहले ही बता दूं कि भाई वो लोग जो पढ़ा रहे हैं पेन पेंसिल लेके, तो बिल्कुल सेम कॉपी करने से सेम उनकी क्वालिटी आ नहीं सकती है। बहुत से लोग हो सकता है अच्छा पढ़ा है, बहुत से लोग नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि वो मेरा चैनल नहीं है। मेरे चैनल में आप देखेंगे, एक तो पहले बात आप लोगो देख लेंगे कि भाई मेरा जो लोगो देख लीजिए विष्णु एटीपी चैनल, इसके अलावा मेरी एक आपको हमेशा दिखता होगा जो थंबनेल है वहां पे मेरी फोटो साइड में लगा के रखता हूँ, और आजकल इसीलिए लगाता हूँ कि ताकि आप पहचान सको मेरा चैनल है कि नहीं। नहीं तो कई लोग दूसरे का चैनल देख रहे हैं और ब्लेम मुझे कर रहे हैं कि सर आपने वो स्टोरी सही से नहीं पढ़ाया। जब मैंने देखा तो वो स्टोरी मैंने ट्रांसलेशन किया ही नहीं है, वो स्टोरी तो कोई और ट्रांसलेट कर रहा है। 2-2 मिलियन यूट्यूब उसके व्यूज है, और बहुत सारे हैं, एक दो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के ट्रांसलेशन स्टार्ट कर दिए क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं। तो भाई जो भी आपका कारण जो भी हो, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि मेरी वीडियो देखना है तो मेरी वीडियो में लोगो आपको मिलेगा, यहाँ पे मेरी फोटो साइड में मिल जाएगी, तो मेरी वीडियो इस प्रकार से। अब उनका देखते हैं नहीं देखते मैं बिल्कुल उनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, आपको जो सही लगे आप देख सकते हैं, ज्ञान जहां से मिले लीजिए, लेकिन सही ज्ञान लीजिए, गलत ज्ञान ना लीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वही बताना चाहता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द एलिंग ब्राह्मिन। द एलिंग, एलिंग का मतलब होता है बीमार, रोग, जिसे बीमारी होती है। ब्राह्मिन, इंग्लिश में ब्राह्मिन बोलते हैं और इसका मायने होता है ब्राह्मण, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीमार ब्राह्मण। तो भाई देखिए क्या बीमार ब्राह्मण कैसी स्टोरी है, 2 पेज का है, 3 पेज का है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी है। बहुत सारे नए नए वर्ड्स की मीनिंग मिलेगी, डिटेल में समझेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पसंद आने में प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत बहुत समय पहले, अ पुअर ब्राह्मण लिव्ड इन वाराणसी। एक गरीब ब्राह्मण रहता था वाराणसी में, वाराणसी शहर का नाम है, ठीक है। हिज नेम वॉज विप्र शर्मा, विप्रा लिखा ना, विप्र, ठीक है, उसका नाम था विप्र शर्मा, तो उसका नाम विप्र शर्मा था। ही वॉज वेरी पुअर एंड हार्डली हैड एनीथिंग टू ईट एट टाइम्स। पूरा मीनिंग देखते हैं। ही वॉज वेरी पुअर यानी वह था बहुत गरीब, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह बहुत गरीब था। एंड हार्डली, और मुश्किल से, कठिनाइयों से, हार्डली बोलते हैं, और मुश्किल से हैड एनीथिंग टू ईट यानी खाने के लिए उसे मिलता था। हैड यानी कुछ चीज प्राप्त होना, मिलना, हैड एनीथिंग कुछ भी चीज मिलता था, टू ईट यानी खाने के लिए, एट टाइम्स यानी एक समय पर, यानी एक समय उसे खाने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलता था। क्लियर है, आगे देखते हैं। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस एलमेंट। ही वॉज ऑल्सो यानी वह था, ऑल्सो यानी होता है भी, लेकिन पूरा मतलब बताऊंगा। सफरिंग, सफरिंग यानी होता है कष्ट में होना या फिर भोगना, भुगतना, उसे हम बोलते हैं सफरिंग या फिर पीड़ित होना, ठीक है। फ्रॉम यानी से, अ सीरियस यानी एक गंभीर, एलमेंट यानी होती है, एलमेंट का मतलब होती है बीमारी, ठीक है, जैसे वहां पे एलिंग यानी बीमार, एलिमेंट यानी बीमारी, ठीक है, यहां तक पूरा मतलब देते हैं। और क्या था, वो एक गंभीर बीमारी से भी पीड़ित था, ऐसे मतलब इसे ऑल्सो यानी भी, सफरिंग यानी पीड़ित होना, भोगना, गंभीर बीमारी से पीड़ित था। विच हैड टर्न हिम वीक, विच हैड, विच यानी जिसने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जिसने हैड टर्न यानी कर दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, हैड के साथ ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, टर्न का थर्ड फॉर्म टर्न, विच है टर्न, जिसने कर दिया था हिम वीक यानी उसे कमजोर, जिसने उसे कमजोर कर दिया था, बस इस प्रकार से होगा। हिज बॉडी, उसकी, उसका शरीर हैड बिकम, हो गया था, यहां पर भी देखिए बिकम यानी हो जाना, हैड बिकम, दिया था, लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड बिकम, उसका शरीर हो चुका था, हो गया था, लाइक यानी जैसे, किसके जैसे हो गया था, अ स्केलेटन, स्केलेटन, स्केलेटन यानी होता है कंकाल, बोलते हैं ना कंकाल, हड्डी का ढांचा, उसे स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, कंकाल हो गया था, उसका शरीर
कंकाल बन चुका था या कंकाल के जैसे लाइक यानी जैसे हो चुका था, हो गया था, ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, हिज इलनेस, उसकी बीमारी, इलनेस यानी भी बीमारी होती है, पूरा सेंटेंस समझ आ गया आपको, उसकी बीमारी के कारण उसका शरीर भी क्या बन गया था, हड्डी के जैसे कंकाल के जैसे हो गया था। द पुअर ब्राह्मण, ठीक है, गरीब ब्राह्मण वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड, वॉज यानी था, अ ग्रेट यानी एक महान, डिवोटी यानी होता है भक्त, ऑफ गॉड यानी भगवान का, वो भगवान का एक महान भक्त था। ही हैड अ फर्म बिलीफ इन गॉड, ही हैड, उसे था, उसे क्या था, अ फर्म यानी एक, फर्म यानी होता है दृढ़, मजबूत, उसे हम फर्म बोलते हैं, ठीक है। बिलीफ यानी भरोसा या फिर विश्वास, तो उसे उसे हम क्या बोल सकते हैं, दृढ़ विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, बहुत भरोसा था इन गॉड, भगवान में। सो ही थॉट, तो उसने सोचा, ठीक है, उसने क्या सोचा, देखिए, बाय लॉर्ड्स ग्रेस, बाय यानी से या फिर द्वारा, लॉर्ड्स यानी प्रभु के, भगवान के, ग्रेस यानी कृपा, तो भगवान की कृपा से या प्रभु की कृपा से, माय पॉवर्टी, मेरी गरीबी, पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड एलमेंट और बीमारी, विल बी ओवर, विल बी ओवर यानी ठीक हो जाएगा, ओवर हो जाना यानी ठीक हो जाना, ठीक है, चला जाना, विल बी ओवर यानी मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, जो भी मैंने निकाले सब वही मतलब है, ठीक है। अब देखिए, बट मेनी डेज वेंट बाय, लेकिन बहुत से दिन, मेनी डेज यानी बहुत दिन, वेंट बाय यानी गुजरे, बहुत दिन गुजर गए, बहुत दिन गुजर गए, एंड डेज और दिन टर्न इन टू वीक्स, और जो दिन थे हफ्तों में बदल गए, टर्न यानी होता है बदलना, दिन हफ्तों में बदल गए, एंड मंथ्स और महीने, एंड देन ईयर्स और फिर सालों में, यानी कि दिन पहले हफ्तों में बदल गए, और जो जो हफ्ते थे वो महीनों में बदल गए, और महीने क्या थे, सालों में बदल गए, यानी दिन धीरे धीरे बढ़ता ही गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था, मतलब यहीं पे है, यही मतलब है। बट लेकिन देयर वॉज नो चेंज इन द ब्राह्मिन्स कंडीशन, यही वही मतलब है, लेकिन देयर हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, मतलब नहीं निकालेंगे, वॉज यानी था, नो चेंज यानी कोई बदलाव नहीं था इन यानी में, द ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन के, अपोस्ट्रोफी काकी के, ब्राह्मिन के कंडीशन यानी उसकी जो स्थिति थी, ठीक है, उसकी जो हालत थी उसमें कोई भी चेंज, कोई बदलाव नहीं हुआ था। ही वॉज एज पुअर एज एवर, ठीक है, ही वॉज, वह था, एज पुअर एज एवर, एवर यानी हम, तो हमेशा की तरह, तो हमेशा की तरह ही गरीब था, हमेशा की तरह ही गरीब ही था, एंड और हैड ग्रोन इवन वीकर, हैड ग्रोन, वो हो चुका था, क्या हो चुका था, इवन, यहां तक कि वीकर यानी कमजोर, और भी कमजोर हो गया था, गया था, लिया था, क्यों, क्योंकि हैड के साथ ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन, तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहां पर भी यूज हुआ है, तो पहले और क्या हो चुका था, वो और भी कमजोर हो गया था, हो चुका था, दोनों यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अ फ्यू मोर डेज यानी और कुछ दिनों बाद, वेंट बाय यानी और कुछ दिन गुजरे, ऐसे मतलब हो, ठीक है, और कुछ दिन गुजरे, एंड द पुअर ब्राह्मण, और गरीब ब्राह्मण, बिकेम यानी हो गया, डिसहार्टन मतलब होता है दिल टूट जाना, जैसे बोलते हैं ना, इसे हम क्या बोल सकते हैं, निरुत्साहित हो जाना, निराश हो जाना, उसे हम डिसहार्टन बोलते हैं, निराश हो गया, एंड एंग्री और गुस्सा हो गया, एट गॉड, भगवान पर, भगवान पर गुस्सा हुआ, फॉर यानी के लिए, ऑल द सफरिंग यानी सभी पीड़ाओं के लिए, कष्टों के लिए, ही वॉज बींग पुट थ्रू यहां पर इसका मतलब क्या होता है, उस पर डाला जा रहा था, जो भी कष्ट उस पर दिए जा रहे थे, डाले जा रहे थे, जैसे पैसिव वॉइस बनाते रहे बींग के, उस टाइप से, ठीक है, तो भगवान से बहुत क्रोधित था कि उसके ऊपर कष्ट डाले जा रहे थे बार बार, वो ठीक नहीं हो रहा था, इसलिए भगवान पर गुस्सा हो गया था, निराश हो गया था। ही बिगेन टू हैव निगेटिव एंड डिप्रेसिंग थॉट, ही बिगेन यानी शुरू हुआ, आने लगे, ठीक है, टू हैव, ही हैव यानी होना, ठीक है, निगेटिव यानी नकारात्मक, एंड और डिप्रेसिंग, ठीक है, डिप्रेसिंग का मतलब डिप्रेस हो जाना यानी निराशाजनक, उदास हो जाना, उसे हम डिप्रेस हो जाना बोलते हैं। थॉट्स यानी विचार, तो उसके मन में क्या आने शुरू हो गए थे, नकारात्मक और निराशाजनक विचार आने शुरू हो गए थे, वही बात सोचता था, हमेशा नकारात्मक ही सोचता था, निगेटिव ही सोचता था।
वॉट इज द यूज ऑफ ऑफरिंग प्रेयर्स टू गॉड, वॉट इज यानी क्या है, द यूज यानी मतलब बोल सकते हैं उपयोग, इसका मतलब क्या है, ऑफ ऑफरिंग, ऑफरिंग यानी करना, प्रेयर्स, प्रेयर्स यानी होता है प्रार्थना, टू गॉड यानी भगवान की प्रार्थना करने का क्या मतलब है, इसका ये मतलब निकल रहा है कि भगवान का प्रार्थना करने से क्या मतलब है, वेन जब आई हैव टू स्ट्रगल, आई यानी मैं या फिर मुझे, हैव टू यानी करना पड़ता है, हैव टू या फिर हैज टू यानी मुझे कुछ करना पड़ता है, लेकिन आई है तो हैव टू का यूज हुआ, यहीं पे ही तुम्हें करना पड़ता है तो ही हैज टू, सॉरी उसे करना पड़ता है तो ही हैज टू, और यू रहता तुम्हें करना पड़ता है तो भी यू के साथ हैवी लगता है, यू हैव टू, तो आपको पता है हैव या हैज किसके साथ लगता है टेंस वाले में, तो आपको पता चल जाएगा, तो आई हैव टू यानी मुझे करना पड़ता है स्ट्रगल, स्ट्रगल यानी क्या होता है, हम इसे बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना करनी पड़ती है, अगेंस्ट, अगेंस्ट यानी विरुद्ध, अपोजिट, खिलाफ, पॉवर्टी, ठीक है, मुझे गरीबी के खिलाफ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एंड और इल हेल्थ, इल हेल्थ यानी बीमार, स्वस्थ यानी हम क्या बोल सकते हैं, अस्वस्थ शरीर, बीमारी, इस प्रकार से बोल सकते हैं, इल हेल्थ बीमार है ना, हेल्थ यानी होता है स्वास्थ्य यानी अस्वस्थ बोल सकते हैं, फॉर सो लॉन्ग बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय के लिए, क्लियर हो गया यहां तक कि भाई मुझे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है मुझे, कि गरीबी के खिलाफ और अपनी बीमारी के खिलाफ बहुत लंबे समय से मुझे क्या करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ता है मुझे, इसके अगेंस्ट मुझे लड़ाई करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, पीपल क्लेम दैट, लोग क्लेम यानी दावा करते हैं, दैट यानी कि लोग दावा करते हैं कि गॉड इज काइंड, भगवान इज यानी है काइंड यानी दयालु, भगवान दयालु है, एंड मर्सीफुल, मर्सीफुल यानी कृपालु, कृपा करने वाले, वो भी दयालु इसका मतलब होता है, बहुत सारा मतलब होता है, भगवान दयालु और कृपालु है ना, लोग दावा करते हैं भगवान कृपालु है, दयालु है, बट लेकिन आई सी, ठीक है, आई सी मैं देखता हूं, आई सी यानी मैं देखता हूं, नन ऑफ हिज काइंडनेस और मर्सी, नन यानी नहीं है ना, कुछ नहीं, ऑफ हिज उनकी काइंडनेस, दयालु और या मर्सी या फिर कृपा है ना, लेकिन मैं कोई भी कृपा या दया नहीं देखता हूं, मुझे नहीं दिखता है, ये बोल रहा है, आई सी नन यानी मुझे कुछ नहीं दिखता है, ना उनकी कृपा कृपा दिखती है, ना उनकी दया दिखती है, अब उनके मन में पूरी निगेटिव भावना आ चुकी है, अब क्या हुआ देखिए, With such thoughts in his heart, with यानि साथ में, such यानि ऐसे, thoughts यानि विचारों के, मन में जो विचार होते हैं, जो भावना है, तो thoughts बोलते हैं, in his heart, अपने दिल में, ठीक है, अपने दिल में ऐसे विचारों के साथ, ऐसे सोच के साथ, साथ, the Brahmin lost interest in life, the Brahmin, Brahman, lost यानि खो दिया, interest यानि रुचि, यानि किसी काम में करने में मन जो लगता है ना, वो रुचि, in life, यानी जीवन में कुछ भी करने का जो मन था, जो रुचि थी, इंटरेस्ट थी, वो क्या हो गया, उसे खो दिया, अब उसके मन में जीने की कोई इच्छा नहीं थी मान के चलिए, एंड डिड नॉट हैव एनी मोर फेथ, एंड डिड नॉट हैव और नहीं था, हैव यानी नहीं था, क्या नहीं था, एनी कोई भी, मोर यानी और है ना, कोई और, फेथ यानी भरोसा, विश्वास इन गॉड और भगवान में, और ज्यादा कुछ भरोसा नहीं भी था, और ज्यादा भगवान में भरोसा नहीं था, न जीवन में उसे इंटरेस्ट था, भगवान में अब कोई ज्यादा भरोसा नहीं था, आफ्टर गिविंग अप ऑल होप्स, आफ्टर यानी के बाद, गिविंग अप यानी त्याग देना, छोड़ देना, ऑल होप्स यानी सभी आशाओं को, आशा यानी जो भी आपकी इच्छा होती है मन में कि ये हो जाए, ऐसे हो जाए, तो जो भी आशा थी सभी को त्याग करने के बाद, सब आशा को त्याग करने के बाद, द पुअर ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, वेंट ऑफ यानी चला गया, ठीक है, टू स्पेंड, स्पेंड यानी खर्च करने के लिए, बिताने के लिए, द रेस्ट, रेस्ट यानी आराम भी होता है, रेस्ट यानी बचे हुए भी होता है, तो यहाँ पे रेस्ट यानी बचे हुए, द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ यानी अपने जीवन के बचे हुए जो भी समय था, बचा हुआ जो जीवन था, उसे बिताने के लिए चला गया, कहाँ चला गया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, एमलेसली, एमलेसली यानी एम यानी होता है लक्ष्य, ठीक है, कोई लक्ष्य होना मन में, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई कोई हमारे पास कुछ हाँ लक्ष्य होता है एम यानी, और लेसली यानी एम ना हो, कुछ एम ही ना हो उसके मन में, कोई लक्ष्य ना हो, लक्ष्य विहीन जिसे हम कह सकते हैं, तो उसके मन में क्या था, कोई भी लक्ष्य नहीं था, और उसे बिना किसी उद्देश्य से, एमलेसली यानी बिना किसी उद्देश्य से जंगल चला गया,
अपने बाकी जीवन को बिताने के लिए। अब क्या हुआ देखिए, इट इज सैड यानी ऐसा कहा गया है, दैट यानी कि ऐसा कहा गया है कि गॉड ऑलवेज, भगवान हमेशा स्टॉप्स यानी रोकते हैं हिज डिवोटीज, अपने भक्तों को फ्रॉम यानी से गोइंग ऑन यानी जाने से अ रॉन्ग पाथ, गलत रास्ते, यानी कहा गया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को गलत रास्ते पर जाने से रोकते। तो पैथ यानी क्या होता है, मार्ग रास्ता, दैट जो टेक्स द डिवोटीज, टेक्स यानी ले जाती है द डिवोटीज, भक्तों को अवे यानी दूर फ्रॉम द गॉड, भगवान से। एकदम देखिए एक एक वर्ड की मीनिंग समझा रहा हूं, आपको समझ भी आ रहा होगा कि भगवान क्या करते हैं, हमेशा अपने भक्तों को गलत रास्ते पर ले जाने से रोकते हैं, जो भगवान से उन्हें दूर ले जाए। ही डज, वह करते हैं, ऑल यानी सब, दैट जो इज पॉसिबल, पॉसिबल यानी जो संभव हो, टू कीप रखने के लिए देम यानी उन्हें, ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, डिवोशन यानी भक्ति, यानी भगवान वो हर संभव प्रयास करते हैं, हर पॉसिबल काम करते हैं जो भक्त को क्या रखे, जो मार्ग जो रहे, भक्ति का मार्ग है ना, भक्ति का मार्ग रखने के लिए, संभव रखने के लिए। गॉड डिसाइडेड, भगवान ने फैसला लिया, निर्णय लिया, टू पुट यानी रखना, फेथ यानी भरोसा रखने, रखना बैक यानी वापस, पुट फेथ बैक यानी वापस भरोसा लाने के लिए, तो पुट यानी रखना लाना बोल सकते हैं, भरोसा वापस लाने के लिए, इन द ब्राह्मिन्स हार्ट, ब्राह्मण के दिल में भगवान ने फैसला लिया कि भाई इसके दिल में मुझे फिर से भगवान के लिए यानी मेरे लिए क्या करना चाहिए, मुझे इसके लिए भरोसा इनके दिल में लाना है मुझे। अब भगवान ने क्या किया देखिए, जस्ट बिफोर द इवनिंग फेल, जस्ट यानी ठीक, बिफोर यानी पहले, द इवनिंग फेल यानी शाम होने के ठीक पहले, ऐसे बोल सकते हैं, द टायर्ड ब्राह्मण, थका हुआ ब्राह्मण, ले डाउन यानी लेट गया, नीचे लेट गया, अंडर यानी नीचे, अ ट्री यानी एक पेड़ के, टू रेस्ट आराम करने के लिए, थका हुआ ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। देखिए एकदम आसान शब्दों में, सडनली अचानक से, अ जैकल, जैकल यानी क्या होता है, जैकाल पढ़ते हैं, जैकल, जैकल यानी होता है सियार, एक सियार, केम यानी आया, कम का पास आया, एंड स्टूड और खड़ा हो गया, स्टैंड का पास स्टूड, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ, बिफोर हिम उसके, बिफोर यानी सामने भी होता है, देखिए बिफोर यानी पहले भी होता है, देखिए शाम के पहले, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे ठीक शाम के सामने, नहीं, यहाँ पे बिफोर का मतलब है पहले, ठीक शाम के पहले, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूड बिफोर हिम उसके पहले नहीं बोलेंगे, उसके सामने, बिफोर यानी सामने भी होता है, फ्रंट ऑफ यानी भी सामने होता है, बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है, तो उसके सामने खड़ा हो गया। His body, उसका शरीर, had almost, had यानी था, almost यानी लगभग, become a skeleton, become यानी हो गया था, a skeleton यानी लगभग क्या हो गया था, किसकी तरह हो गया था, skeleton आपको बताया था कंकाल के जैसे हो गया था, कंकाल की तरह था उसका शरीर लगभग। All his fur, all यानी सभी, his यानी उसके, fur यानी क्या होता है, रुआ, उसके जो बाल होते हैं, उसके सभी बाल, जो सियार के जानवर के जो बाल होते हैं, जैसे कुत्ते के होते हैं फर, उसे कहते हैं, हेड फॉलन ऑफ यानी गिर गए थे, यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड के साथ फॉल का फॉलन थर्ड फॉर्म, गिर चुके थे, गिर गए थे, इस प्रकार से उसके सभी बाल गिर चुके थे, एंड और डीप रेसेस, डीप यानी गहरे, रेसेस यानी का चकत्ता, वो घाव के चकत्ते होते हैं, डीप रेसेस बोलते हैं, गहरे चकत्ते, एंड बॉइल्स, ये बॉइल्स उबालना वाला बॉइल्स नहीं है, ये बॉइल्स यानी होता है फोड़े, फोड़ा पुंसी जो होता है ना, फोड़े को बॉइल्स कहा जाता है, और फोड़े वर यानी थे ऑल ओवर, ऑल ओवर यानी पूरे, हिज स्किन, उसके चमड़े पे, स्किन यानी क्या होता है, उसके त्वचा पे, उसके चमड़े पे बोल सकते हैं, शरीर पे है ना, उसके पूरे त्वचा पे फोड़े और रेसेस थे उसके, और पूरे बाल झड़ चुके थे, जैसे कई बार आपने बहुत सारे कुत्ते को देखे होंगे बेचारे के पूरे बाल झड़ जाते हैं और बहुत सारे घाव रहते हैं, बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई थी। The jackal was moaning in pain. The jackal, CR, was moaning. ये past perfect tense, was a verb के साथ ing form. Moaning यानी क्या होता है? Moan करने यानी कराहना, ठीक है? कराहते हैं दर्द से, उसे moaning कहते हैं। तो CR in pain यानी दर्द में, pain यानी दर्द में कराह रहा था, and couldn't, ये could not यानी नहीं कर सकता था, नहीं कर सका क्या? Even यहाँ तक कि shake off the flies, shake off यानी होता है ऐसे हम बोलते हैं उड़ाना, ठीक है, हिलाना, उड़ाना द फ्लाइज, मक्खियों को,
और वो मक्खियों को भी नहीं उड़ा पा रहा था, ऐसे इसका मतलब उड़ा सकता था, कुडंट कुड नॉट, नहीं उड़ा सकता था। एक्चुअली असलियत में, वास्तव में, असल में गॉड हैड टेकन द गाइस ऑफ द एलिंग जैकल, ठीक है, द गॉड हैड टेकन, भगवान ने लिया था, ये भी आपका पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ टेक का थर्ड फॉर्म, टेकन, भगवान ने लिया था द गाइस, यानी होता है रूप, है ना, भेस ऑफ द, ये एलिंग आपको बताया था, बीमार जैकल का, यानी भगवान ने ही क्या किया था, ये बीमार सियार का रूप धारण करके उनके पास आया था कि भाई इन्हें मुझे क्या करना है, इसका दिल बदलना है। अब क्या हुआ, लास्ट पेज बचा हुआ है, डिटेल में चल रहा है लेकिन अच्छे से चल रहा हो तो प्लीज लाइक करेंगे। ही हैड डन, अब यहां पर भी देखिए हैड के साथ डू का थर्ड फॉर्म डन, यानी उसने किया था, ठीक है, उसने क्या कर दिया था, दिस, यानी उसने ये किया था, किसने, भगवान ने किया था, टू मेक यानी करने के लिए, बनाने के लिए, द ब्राह्मिन, ब्राह्मण को, रियलाइज, रियलाइज यानी होता है एहसास दिलाना, हिज मिस्टेक, उसकी गलती, भगवान ने ये सब किया था ब्राह्मण को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। क्लियर हो गया, अब देखिए क्या हुआ, द ब्राह्मिन सॉ, ब्राह्मण ने देखा, सा याने क्या होता है, देखा, सी सा, है ना, सा याने देखा, ब्राह्मण ने देखा द एलिंग जैकल, बीमार सियार को, एंड और फेल्ट पिटी, फेल्ट पिटी याने होता है उस पर करुणा आ जाना, दया आ जाना, उसे पिटी बोलते हैं, ठीक है, रहम जिसे कहते हैं उर्दू में, और उसे क्या हो गया, रहम आई उस पर, रहम महसूस हुआ, फॉर हिम यानी उस पर रहम आया, ही केप्ट लुकिंग, वह देखता रहा, कीप याने रखना, रहना, है ना, लुकिंग, वह देखता रहा एट द जैकल, एट यानी पर या फिर को द जैकल, वह सियार को देखता रहा फॉर सम मोमेंट, फॉर सम यानी कुछ मोमेंट्स, यानी होता है क्षण, समय, ठीक है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो जैकल को देखता ही रहा, एंड देन, और तब या फिर, और फिर ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का पास है थॉट, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, पुअर जैकल, बेचारा सियार, देखिए पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारा भी होता है, कहीं पर पुअर ब्राह्मण लिखा है तो उसका मतलब बेचारा ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, लेकिन देखना है कि वाकई में वो गरीब है कि नहीं, ठीक है, तो पुअर जैकल, अब यहाँ पे ये तो नहीं होगा कि गरीब सियार, बिल्कुल सियार को ये गरीब अमीर तो होते नहीं है, पुअर जैकल यानी बेचारा सियार, वॉट अ मिसरेबल कंडीशन, वॉट यानी क्या, अ यानी है, मिसरेबल, अ यानी एक, है ना, मिसरेबल यानी होता है, हम उसे बोल सकते हैं कि दुखी स्थिति, ठीक है, मिसरेबल यानी दीन, दुखी, उसे मिसरेबल बोलते हैं, कंडीशन यानी स्थिति, कितनी, है ना, क्या दुखी स्थिति है, क्या दीन स्थिति है, ही इज इन, वह है, वह कितने दुखी स्थिति में है, इस प्रकार से यहां पे इसका मतलब हो रहा है, माई कंडीशन, मेरी स्थिति, ठीक है, यानी जो मेरे हालात हैं, इज यानी है, सो मच बेटर, सो मच यानी बहुत ज्यादा अच्छा है, देन हिज, उसकी तुलना में, देन यानी कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, यानी उससे तो मेरी हालात बहुत अच्छे हैं, मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, देयर मे बी सो मेनी क्रीचर, देयर मे बी यानी शायद होंगे, ठीक है, सो मेनी, बहुत सारे क्रीचर्स, क्रीचर्स यानी होता है जीव जंतु, ठीक है, बहुत सारे जीव जंतु होंगे इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु मस्ट, जो मस्ट बी यानी शायद या फिर जरूर, सफरिंग यानी भोग रहे हैं, सह रहे हैं, मोर देन मी, मुझसे भी ज्यादा, यानी वो यही बोल रहा है कि जरूर बहुत, मुझसे भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं दुनिया में जो मुझसे भी ज्यादा पीड़ा दुख भोग रहे हैं, द प्लेजर ऑफ वेल्थ, द प्लेजर, प्लेजर यानी क्या होता है, सौभाग्य या फिर सुख, ऑफ वेल्थ यानी कि धन का सुख या धन का सौभाग्य, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य का, धन और स्वास्थ्य जिसे आप तबीयत भी बोलते हैं ना, जो सुख है, जो जो क्या है उसका, प्लेजर है, सौभाग्य है, डिपेंड्स, डिपेंड्स यानी डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है ऑन आर एक्शन, ऑन यानी पर, आर जैसे आवर भी पढ़ते हैं, एक्शन हमारे कार्य पर, एक्शन यानी क्रिया, कार्य है, ठीक है, तो जो भी सुख का लाभ है, जो हमें स्वास्थ्य का लाभ है, हमें जो हमारी अच्छी स्वास्थ्य है या जिसकी तबीयत खराब है, जो हमेशा बीमार रहते हैं, जो अमीर है, जो गरीब है, ये सब किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड होते हैं, हमारे एक्शन यानी हमारे कर्म पर, लास्ट में और अच्छे से बताने वाला हूं, हमारे कर्म जैसे होते हैं ना उसके हिसाब से हमें फल मिलता है, कैसे आपको लास्ट में 5 मिनट में बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा, कोई इंसान गरीब क्यों पैदा होता है, कोई
कोई अंधा क्यों पैदा होता है, कोई एकदम अमीर के घर क्यों पैदा होता है। भाई बच्चे की तो कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई बच्चा गरीब के यहाँ, कोई बच्चा अमीर के यहाँ क्यों पैदा होता है। जितना हम जो वेद पुराण में हमने पढ़े हैं, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लास्ट में अब इसने बोला कर्म पर निर्धारित होता है। वी मस्ट नॉट ब्लेम, वी मस्ट नॉट, यानी हमें नहीं करना ब्लेम। ब्लेम यानी क्या होता है, किसी पे हम क्या बोल सकते हैं, ब्लेम करना यानी किसी पर नाम लगाना, इल्जाम लगाना, उसे हम ब्लेम बोलते हैं, ठीक है। यानी हमें भगवान पर दोष नहीं लगाना चाहिए, ब्लेम नहीं करना चाहिए, फॉर आर फेट, ठीक। फॉर यानी के लिए, आर यानी हमारे, फेट यानी भाग्य, यानी हमारी जो किस्मत है, हमारे जो भाग्य है, उसके लिए हमें भगवान को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि अरे आपके कारण ऐसे हो रहा है, आपने हमारे भाग्य में लिख दिया है, आपने उसके भाग्य में पैसा लिखा है, आपने मेरे भाग्य में गरीबी लिख दी है। नहीं करना चाहिए, क्यों, लास्ट में आपको बताने वाला हूं। इफ वी आर टू मेक अ गुड फ्यूचर, ठीक, यदि वी आर हम हैं क्या, टू मेक यानी बनाते हैं अ गुड फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य, फॉर आर सेल्फ, हमारे लिए खुद के लिए, ठीक है। यदि हम क्या करते हैं, अपने लिए खुद के लिए हम बनाते हैं, देन तो तब वी मस्ट, हमें जरूर वर्क फॉर इट, इसके लिए काम करना चाहिए, ठीक है। यदि हम अपने लिए अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए, बस इतना बचा है। दिस रियलाइजेशन, ये एहसास, ठीक है, या फिर ऐसा एहसास मेड द ब्राह्मण, मेड यानी किया, द ब्राह्मण, ब्राह्मण को फील यानी महसूस कराया, एहसास कराया, अ बिट यानी थोड़ा सा, रिलीव, रिलीव यानी राहत, तो क्या हुआ, थोड़ा सा उसे राहत मिली, इससे राहत दिलाई। देन ही फेल्ट अ रिन्यूड एनर्जी, तब उसने फेल्ट यानी महसूस किया, अ रिन्यूड है ना, रिन्यूड का मतलब होता है नया, नवीनीकृत है ना, नया, नई ऊर्जा उसे एहसास हुआ, शरीर में नया ऊर्जा समझ समझ लीजिए आ गया, ये सब मन में उसे जब भावना आई, तो इट वॉज वॉट गॉड हैड इंटेंडेड, ठीक है। इंटेंड यानी क्या होता है, इरादा, तो भगवान का यही इरादा था, भगवान का यही इरादा था। नाउ अब द ब्राह्मिन हैड रिन्यूड है ना, कर चुका था, कर लिया था, हिज फेथ यानी अपने भाग्य को, सॉरी अपने विश्वास को, अपने भरोसे को उसने नया रिन्यूड कर लिया था, नवनिर्मित कर लिया था, इन गॉड, भगवान में फिर से नया कर लिया, अपने भाग्य को नवनिर्मित कर लिया। द बिलीफ इन ट्रूथ, द बिलीफ यानी भरोसा, इन ट्रूथ यानी सच्चाई में भरोसा, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत, एंड और गुड एक्शंस अच्छे कर्म, अच्छे कार्य, वाइप्ड ऑफ, वाइप्ड ऑफ यानी धो डालना, पोछ डालना, मिटा देना, ठीक है। हिज पॉवर्टी, और उसके जो सत्य पर भरोसा था, कठिन काम थे, कड़ी मेहनत थी, और अच्छे काम ने क्या किया, उसकी गरीबी को दूर कर दिया, मिटा दिया, सून, जल्दी ही, ठीक है, वाइप्ड ऑफ पोछा लगाना भी होता है। ही वॉज क्योर्ड, वह क्या हो गया, क्योर्ड यानी उसका इलाज हो गया, ठीक हो गया, ऑफ हिज इलनेस, अपनी बीमारी से, ऑल्सो यानी भी, और उसने बीमारी से भी वो ठीक हो गया, उसका इलाज हो गया, उसका इलाज हो गया। दोज यानी जो, हु, ठीक है, दोज हु यानी वे जो, बिलीव यानी भरोसा करते हैं, इन ट्रूथ सच्चाई पर, दैट की इज गॉड, भगवान है, जो भगवान है, सच्चाई पर भरोसा करते हैं, एंड दोज और वे हु जो, और वे जो डू नॉट लूज, डू नॉट लूज यानी लूज नहीं करते, खोते नहीं है, देयर फेथ अपना भरोसा, और जो अपना भरोसा नहीं खोते हैं इन गॉड, भगवान पर, आर एबल टू फ्री देमसेल्फ, आर यानी है, एबल यानी सक्षम है, कर सकते हैं, टू फ्री यानी स्वतंत्र, आजाद, देमसेल्फ यानी खुद को आजाद कर सकते हैं, ऑफ यानी कि देयर यानी उनके प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से, परेशानियों से, ठीक है। जो भगवान में भरोसा रखते हैं, भगवान पे फेथ रखते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को उनकी परेशानियों से, अपनी परेशानियों से खुद को आजाद करने में सक्षम होते हैं, कर सकते हैं। जस्ट लाइक, जस्ट यानी जैसे, लाइक यानी इसके जैसे है ना, ठीक जैसे द ब्राह्मण यानी ठीक ब्राह्मण के जैसे, अभी जिस ब्राह्मण का हमने स्टोरी सुना, बिल्कुल इस ब्राह्मण के जैसे, उसे जब भाग्य का, उसे जब पता चला सच्चाई का, नहीं ये मेरे भाग्य में नहीं है, ये तो मेरे कर्म के कारण ऐसे हो रहा है, तो भगवान पे भरोसा रख के आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। तो मैं जो बता रहा था ना, अगला जन्म कैसे होता है, क्या होता है, उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, जिन्हें सुनने में इंटरेस्ट नहीं हो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन जिन्हें लगता है कि भाई क्यों अगला जन्म जो होता है, कोई बच्चा किसी गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई बच्चा अमीर के यहाँ पैदा होता है, कोई बहुत सुंदर नए नक्ष होते हैं, कोई दिखने में थोड़ा सा समझ सकते हैं कुरूप होते हैं, अच्छे नहीं दिखते हैं,
या बहुत सारी हो सकता है कोई कोई दिव्यांगता हो, पैर ठीक नहीं हो, आंख ठीक हो, ऐसे क्यों भगवान क्यों करते हैं ऐसा? भगवान इस बच्चे के साथ इसे कोई अमीर करोड़पति के यहाँ पैदा करा दिए, इसी को बेचारे वो गरीब को रोटी नहीं मिलता एक दिन उसके यहाँ पैदा करा दिए, बच्चे की क्या गलती है? बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, खैर जो दूसरा जन्म नहीं मानते उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हमारे जो धर्म में हमें बताया गया, हम जो पढ़े हैं उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब ये दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहा है, वो पैदा हुआ अमीर घर में, मान लीजिए पैदा हो गया वो, तो सब बोलेंगे भाई ये जो ए अमीर के घर कैसे पैदा हुआ, बी गरीब के यहाँ क्यों पैदा हुआ? क्योंकि ये जो ए है वो उसका पिछला जन्म का फल था। बोलेंगे सर पिछला जन्म का फल कैसे होगा, क्या होगा, जो भोगना है यही भोगना है, वो भी सही बात है, लेकिन इस ए व्यक्ति ने बहुत, मान लीजिए बहुत पाप कर्म किए, क्या किए, बहुत पाप का काम कर रहा है अभी, बहुत पाप कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है, गलत काम कर रहे हैं, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती है ना, जितने भी गलत काम होते कर रहा है, लेकिन अभी तो कर रहा है, अभी भी वो थोड़ा बहुत भोग रहा है, बीमारी हो रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन उसके पाप बहुत ज्यादा है, उसने इतना ज्यादा पाप किया है कि ये जो जन्म है अभी जिस जन्म में वो जी रहा है उसमें ये जो पाप है कंप्लीट नहीं कर पाया, पूरा भोग नहीं पाया, भोगने से पहले ही मर गया, उसका शरीर साथ नहीं दे पाया, इस पाप को भोगने में सक्षम नहीं रहा, वो मर गया। तो भाई क्या इसके जो बचे हुए पाप है, क्या उसके पाप मिट गए? नहीं, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। इसने क्या किया, इतना पाप इसने जो कमाया है ना लोगों को बुरा करके, अब ये पाप इस जन्म में मान लीजिए हाफ इसने पाप भोग लिया है, जो आधा बचा है वो कब होगा, जब वो नेक्स्ट बर्थ लेगा, अगला जन्म लेगा ना, तो ये जो पाप के कारण उसे बहुत ही, या तो गरीब घर में जहां खाने को ना मिले, पीने को ना मिले, या फिर बहुत ही बीमारी वाले जगह में, आप सभी सोचिए ना जगह का भी अंतर है, कोई ऐसे देश में पैदा होते जहाँ खाने को कुछ नहीं है, कोई ऐसे देश में पैदा होते जहाँ सब चीज है, उसके बाद फैमिली, कोई ऐसे फैमिली, तो देखिए जगह, स्थान, फैमिली है ना, सब चीज महत्व रखता है। तो भाई अच्छे रंग रूप नहीं मिलता उसे, या कोई बीमारी हो, या फिर किसी गरीब के यहाँ पैदा हो, ऐसे हो जाता है। और एक आदमी जो अभी बहुत पुण्य का काम कर रहा है, ठीक है वो अभी गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन ये जो बी है बहुत पुण्य का काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, उसे अभी फल मिलना शुरू हुआ ही है, कुछ कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा थोड़ा पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खुश खुश है, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई मान लीजिए उसके उसके भाग्य में, पिछले जन्म के कारण इस जन्म में मृत्यु हो गई, अब इसका पुण्य बचा हुआ इतना पुण्य, अब ये पुण्य क्या लैप्स हो जाएगा? नहीं, भगवान लैप्स नहीं होने देते। अब ये बीज जब नया जन्म लेगा तो देखेंगे कि हाँ इसके पास इतना पुण्य बचा हुआ है, इसके हिसाब से इसे अच्छा रंग रूप, अच्छा चेहरा मिलेगा, अच्छी अच्छा परिवार में इसको जन्म मिलेगा, ठीक है, अच्छे वातावरण में पैदा होगा, अच्छे धनवान या फिर संपत्तिवान पैसे वालों के यहाँ पैदा होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। भाई बाद में वो अपने क्या करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद ऐसे जरूरी नहीं है कि अमीर के यहाँ पैदा हुआ तो हमेशा अमीर रहेगा, हो सकता है बाद में अपने काम से वो सब अमीरी को खो दे, लेकिन पिछला बचा हुआ है तो भगवान उसको लैप्स नहीं होने देंगे, जरूर आपको अच्छे घर पैदा करेंगे। यहाँ पर भी वही बात है, जो पाप था उसके हिसाब से तो इसने भोग लिया बेचारा, बीमार पैदा हो गया, या आंख नहीं है, हाथ पैर नहीं है, जो भी रहा होगा, लेकिन अब वो चाहे तो इस जन्म को अपना अच्छा कर सकता है, अच्छे काम करके, भगवान पे भरोसा रखे, जिस भी भगवान को मानते हैं इस जन्म में फिर वो अच्छा काम करेगा, तो जरूरी नहीं है वो गरीब पैदा हुआ तो गरीब ही रहे, या अमीर पैदा हुआ तो अमीर ही रहे। तो भाई ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, हमारे जो धर्म में जिस प्रकार से बताया गया है कि जो भी आपके पाप कर्म जो बचे हुए हैं जिसे आप भोग नहीं पाते अगले जन्म में भोगना है, पुण्य बचे हुए हैं जिसे भोग नहीं पाते उसे आपको अगले जन्म में भोगना है, आपको उसका जरूर फल मिलेगा। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की ट्रांसलेशन, थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।